नमस्कार दोस्तों, आज की डिस्कशन में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का ज्योग्राफी। तो देखिए, अपने राजस्थान में ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ये चीज़ पढ़ेंगे कि राजस्थान का इतिहास कहाँ से दिया गया है और राजस्थान का जो पार्ट्स हैं, राजस्थान कैसे किस किस भागों में बटा हुआ है और किस किस भागों से ये बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अपन मैप के ऊपर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन मैप पर चलते हैं। ये अपना राजस्थान का मैप है, ये अपना राजस्थान का मैप। तो इसके अंदर देखिए, ये जो है, ये आपको उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका साउथ हो गया। देखिए, ये यहाँ से अगर अपन चलते हैं राजस्थान के, राजस्थान का भूगोल की अपन बात कर रहे हैं और इसके अंदर जो अपना टॉपिक जो अपना रहेगा, ये रहेगा राजस्थान का विस्तार। इसके अंदर अपन ये चीज़ पढ़ेंगे, राजस्थान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका लैंड एरिया कितना है, इसका अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कितने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट से टच हो भी जाती है। तो ये चीज़ें अपन इसमें वन बाई वन अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उत्तर से, अगर अपन को दक्षिण में आना है तो ये कुल लंबाई, अगर अपन उसकी बात करें तो ये अपनी कुल लंबाई होती है 826 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पश्चिम से, अगर चलते हैं पूर्व की तरफ तो यहाँ पे अगर अपन लंबाई की बात करें तो ये है 869 किलोमीटर, 1869 किलोमीटर। अब देखिए, राजस्थान को सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान की पृथ्वी के ऊपर जब अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से तीन भागों में ये बटी हुई है। ओके, दो बड़े भूखंड इसमें देखने को मिलते हैं। पहला अगर भूखंड की अगर बात करें तो वो है अंगारा लैंड, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वह है गोडवाना। ये दो बड़े राजस्थान के बड़े भूखंड है जो राजस्थान को बांटे हुए हैं। तो देखिए, अंगारा लैंड की अगर हम बात करें तो अंगारा लैंड सामान्यतः यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ये पूरा एरिया क्या है अंगारा लैंड का माना जाता है। ये पूरा जो आपको दिखा दे रहा, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये पूरा अंगारा लैंड कहलाता है। दूसरा गोडवाना लैंड। तो गोडवाना लैंड राजस्थान में कहाँ देखा गया? राजस्थान की अगर बात करें तो पूर्व से लेकर दक्षिण तक जो एरिया है वो किस नाम से जाना जाता है? गोडवाना लैंड। ये जो एरिया आपको हाईलाइट कर रहा हूँ रेड पेन से, वो वाला कौन सा है? गोडवाना लैंड, गोडवाना। देखिए, यहाँ जो अगर हम बात करें इसकी तो ये पड़ता है अपना अरब सागर, और इसकी अगर हम बात करें तो ये पड़ती है बंगाल की। हालांकि यहाँ पे काफ़ी स्टेट देखने को मिलते हैं, लेकिन अपन वैसे बात करें तो इधर इस साइड में अपन और चलेंगे सभी स्टेट को क्रॉस करते हुए तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी लास्ट में मिलती है अपन को। ये आपने बात कर ली कौन सा एरिया है, ये आपका दक्षिण एरिया। तो देखिए, राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान पश्चिम एरिया कहाँ है? ये वाला। इस पश्चिम एरिया में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन को रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान का मतलब ये होता है कि यहाँ पे काफ़ी सूखा है, काफ़ी लैंड एरिया है, यहाँ पे कोई हिली एरिया, हिली का मतलब यहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं है, पूरा समतल है, और जो भी यहाँ की मिट्टी जो है वो बालू कलर की होती है, भूरे कलर जिसे कहते हैं, और यहाँ पर जो भी झील मिलती है वो खारे पानी की मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो खारे पानी की जो झीलें हैं, खारे पानी की जो झीलें, वो झीलें जो हैं वो टेथी सागर की देन है। किसकी देन है? टेथी सागर। टेथी सागर क्या चीज़ होती है? यह एक, अगर हम टेथी सागर की बात करें तो ये अपना जो है टेथी सागर, जब ये अब भारत जब बटा था तो इसके अंदर एक जो सागर जो था वो टेथी नाम से जाना जाता था, तो उसके कुछ अंश यहाँ रह गए थे, तो इस कारण इसके अंदर जो भी पानी मिलता है वो पानी किसी रूम में है, यहाँ पे खारे पानी के रूम में। और अगर अपन मध्य की बात करें, किसकी बात करें? मध्य की बात है, मध्य कौन सा है? ये वाला। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? अरावली सरक, अरावली
भूखंड या फिर सरकलाएँ, यानी यहाँ पे आपको जो मिलती है वो कौन सी मिलती है, अरावली सरकलाएँ आपको देखने को मिलती है। अरावली सरकला की पहचान क्या है, क्योंकि इसमें क्या है पहाड़ी एरिया काफ़ी है और सबसे ज़्यादा पहाड़ यहीं अपन को देखने को मिलते हैं राजस्थान में, और यहाँ पे समतल बहुत कम है, तो ये इसकी क्या है पहचान है। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया आपका अरावली पर्वत वाला। अरावली पर्वत वाला की अगर बात करें तो राजस्थान में पुष्कर से लेके गुजरात के पालनपुर पे ये ख़त्म होती है। ओके, तो ये अपना मैप अपने हल्का सा वो भी पढ़ लिया, अब अपना आगे चलते हैं। आगे अपना जो टॉपिक है इसी टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि राजस्थान का सबसे पहले नामकरण या फिर राजस्थान नाम किसने सबसे पहले दिया, जो राजस्थान की हिस्ट्री को अपन बार बार कहते हैं कि राजस्थान राजस्थान, तो ये कहाँ से उत्पत्ति हुई इस नाम। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं 1800 ईस्वी ईस्वी को, तो इसके अंदर अगर बात करें तो इस ईस्वी की अगर बात करें तो इसके अंदर जॉर्ज थॉमस नाम का एक वैज्ञानिक था। किस नाम का, जॉर्ज थॉमस नाम का एक, उसने सबसे पहले ईसा पूरी नहीं सुन ईस्वी ठीक है, इसने सबसे पहले बोला राजस्थान का, इसने सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसने उस प्रदेश को क्या था राजपूताना, राजपूताना क्यों कह रहे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाए जाते थे, सबसे ज्यादा कौन थे राजपूत, इसलिए यहाँ पे इसका एरिया क्या बोला राजपूताना। ये किसने बोला, जॉर्ज थॉमस ने। देखिए यहाँ पे भी अभी तक राजस्थान कोई नाम नहीं आया, तो इसके बाद में 29 साल बाद में, कितने साल बाद में 29 साल, अगर 29 साल की बात करो 1829 ईस्वी हो, 1829 ईस्वी के अंदर एक कर्नल जेम्स टॉड आए, वो आए कर्नल जेम्स टॉड आए, कर्नल जेम्स टॉड आए, तो इन्होंने ये बोला कि राजस्थान जो है, या फिर उन्होंने एक बुक्स दी, एक बुक्स लिखी इसने, ये जो आपकी बुक सामने आपको दिख रही, इस बुक्स में इसने कुछ चीज़ें लिखी। पहली इस बुक्स में देखने को मिलती है राय था, राय था। दूसरा इसमें देखने को मिलता है रजवाड़ा। तीसरा इसमें देखने को मिलता है राजस्थान। तो सबसे पहले राजस्थान का नाम किसने किया, कर्नल जेम्स टॉड ने, कब किया 1829 साल में, लेकिन जॉर्ज थॉमस जो था उसने राजपूताना राजस्थान का नाम दिया था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कह रहते थे राजपूत रहते थे। उसके 29 साल बाद में कर्नल जेम्स टॉड आया, जो इसने क्या बोला एक किताब के अंदर, इन्होंने रायथाना रजवाड़ा और राजस्थान के नामकरण से इसको लिखा गया। उस किताब का नाम क्या है वो भी आप देख लीजिए, इस पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज ऑफ राजस, ये इस किताब का नाम था। जिसने किसने दी इसकी बुक्स का नाम, किसने दिया कर्नल जेम्स टॉड ने, इस किताब में क्या लिखा हुआ था राजस्थान नाम का एक वर्ड लिखा हुआ था। तो यहाँ से अपने राजस्थान की उत्पत्ति हुई, सर्वप्रथम जो उत्पत्ति हुई कर्नल जेम्स टॉड ने इसको दिया, जो मेवाड़ रही, जो ये जो कर्नल जेम्स टॉड था ये माना जाता है कि मेवाड़ रियासत के ब्रिटिश रेजिडेंट थे, मेवाड़ जो रियासत जो थी उसके क्या थे, उसके रेजिडेंट थे, ब्रिटिश रेजिडेंट थे ठीक है। अब अपना आगे चलते हैं, 26 जनवरी, अब इसको साफ कर देता हूँ, 26 जनवरी 1950 देखिए 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956 यानी बीच में कितने ईयर है, 16 ईयर का गैप है। तो अगर मैं बात करूँ 26 जनवरी 1950 की, इसके अंदर अपना भारतीय संविधान क्या हुआ, संविधान क्या हुआ लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद उसके मात्र 6 साल बाद में 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का पुनर्निर्माण किया गया, राजस्थान का
पुनः गठन किया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में तो अपना भारत का संविधान लागू हुआ और 6 साल के बाद उसके 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का पुनर्गठन हुआ। और अगर हम बात करें इसी के ऊपर, अगर हम बात करें तो ऐसे कहा जाता है जो पुरानी भैया जो होती है, भैया भैया मतलब पुरानी किताबें जो होती हैं, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ों को रखते थे, पुराने भैयों के अनुसार भी कहा जाता है जो कर्नल जेम्स टॉट था, उसने प्रदेश को रजवाड़ों के रायथाना नाम से संबोधित किया गया है। रजवाड़ा और रायथाना के नाम से संबोधित, बिल्कुल सही, जो अपना अभी पढ़ चुके हैं। अब विस्तार की में आते हैं, राजस्थान का विस्तार देखिए मैं मैप बना देता हूँ। ये इसका क्या है उत्तर, ये क्या है पश्चिम, और ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है साउथ। तो देखिए इसके विस्तार की अगर हम बात करें, किसके बात कर रहे हैं, राजस्थान का विस्तार। तो अपन सबसे पहले अपन बात करें अक्षांश में, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी अक्षांश, किसकी बात कर रहे हैं उत्तरी। इस उत्तरी अक्षांश एवं उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर, ये क्या है पूर्वी देशांतर। देखिए देशांतर सबसे पहले मैं अक्षांश आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अक्षांश की अगर बात करें, किसकी बात करें अक्षांश की, तो अक्षांश वो होती है जो एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे ये वाली लाइन होगी, इसी के पैरेलल ये वाली लाइन होगी, समांतर इसकी चले, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सिस। ठीक है, और अपन दूसरा वर्ड अपने सुनना है यहाँ पे देशांतर। देशांतर क्या चीज होती है, देशांतर वो होती है जो एक्सिस के 90 डिग्री कोण पे उसके लंबवत खड़ी हो, किसके एक्सिस के, वो कहलाते हैं देशांतर। तो देशांतर रेखा है उनको कहाँ देखने को मिलेगी, एक तो पूर्व में देखने को मिलेगी, एक पश्चिम में देखने को मिलेगी, वहाँ पे भी क्या मिलेगी देशांतर। और अक्षांश क्या, अक्षांश कहाँ मिलेगी, उत्तर और पश्चिम में, एक यहाँ पे क्या मिलेगी अक्षांश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो इसका जो विस्तार है वो है 23 डिग्री और 3 मिनट। ओके, ये उत्तरी अक्षांश है। अब जस्ट अपन बात करते हैं दक्षिणी अक्षांश, तो दक्षिणी अक्षांश क्या है 30 डिग्री और 12 मिनट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतर में बात करते हैं सबसे पहले किसकी, देशांतर में अपन बात करेंगे किसकी, सबसे पहले पूर्व सॉरी पश्चिम। तो पश्चिम की अगर अपन बात करें तो पश्चिम में अपन देखते हैं सबसे पहले अपने पास में क्या देखने को मिलता है 69 डिग्री 30 मिनट, और इधर आपका आ जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा, ये पूर्व, ये आपका पश्चिम। सबसे पहले मैं अपन बात की थी तो इसकी जो लंबाई अपन ने कैलकुलेट की थी वो थी 826 किलोमीटर। ठीक है, इसकी अपन लंबाई अगर कैलकुलेट की थी तो वो की थी 869 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से चलते हो और यहाँ पे आपको जाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर अपन जाते हैं इसकी तुलना में, तो इसकी तुलना में दोनों में देखो सबसे ज़्यादा हाइट, सबसे ज़्यादा दूरी इसमें इसमें, तो इसमें टाइम भी क्या लगेगा ज़्यादा, तो यहाँ पे ऐसे 35 मिनट और 8 सेकंड का टाइम लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। यानी यहाँ पे अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो यहाँ पे आपको पश्चिम से पूर्व जाने के लिए 1 घंटा 35 मिनट और 8 सेकंड आपको चाहिए। तो 35 मिनट का ज़्यादा ड्यूरेशन यानी ज़्यादा टाइम लगता है देशांतर टू देशांतर जाने के लिए। तो ये इसका अपने विस्तार की बात कर ली। अब अपन चलते हैं इसका कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी में अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
यानी उत्तर में अंतिम जिला जो है वो कहाँ तक है, कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये देखिए मैं मैप बना दी। क्योंकि मैप की तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही मेरे ख्याल से आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मैप को बिना प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो ये मैंने आपको बोला पश्चिम, ये मैंने आपको बोला पूर्वी, और ये मैंने आपको बोला उत्तर, और यह मैंने आपको बोला साउथ। देखिए यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे गंगानगर पड़ता है और यहाँ पे पड़ता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और यहाँ पे पड़ता है श्री गंगानगर। ओके, तो ऐसे है श्री गंगानगर का जो अंतिम जो सिरा है जहाँ से राजस्थान प्रारंभ होता है और पंजाब आपका खत्म होता है, तो उसका नाम है, उस गांव का नाम है कोणा। क्या नाम है? कोणा, जो कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर। ठीक है, उसी के सामने अगर बात करो तो यहाँ पे पड़ता है आपका बांसवाड़ा। क्या पड़ता है? साफ कर देता हूँ, ये बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा का जो अंतिम सिरा है वहाँ पे जहाँ पे राजस्थान खत्म हो जाता है और मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो जो है वो आपका है बोरकुंड। क्या नाम है उस गांव का? बोरकुंड। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। जो कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा। अब बात करते हैं पश्चिम, पश्चिम की अगर बात करें तो अंतिम जो जिला जो आपका है वो है जैसलमेर। पूर्व की अगर बात करें तो वो है धौल। जैसलमेर के अंदर सम तहसील है, यानी सम एक एरिया है जिसके अंदर कटरा नामक गांव है। क्या नाम है? कटरा गांव, जहां से राजस्थान प्रारंभ होता है और इधर आपको कौन सा आ जाता है? पाकिस्तान आ जाता है। और यहां की अगर बात करूं तो यहां पे लास्ट गांव आपको कौन सा देखने को मिलता है? यहां पे आपको देखने को मिले, अगर अपन इस साइड की बात करें, पूर्व की बात करें, तो पूर्व में आपको गांव देखने को मिलते हैं सिलाना। कौन से? सिलाना, सिलाना, सिलाना गांव कहाँ पड़ता है? धौलपुर। ठीक है, जैसलमेर में क्या पड़ता है? संत तहसील पड़ती है, और गांव कौन सा पड़ता है? कटरा। हनुमानगढ़ में अगर बात करें तो कोणा गांव पड़ता है, जो श्री श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। बांसवाड़ा के दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का अंतिम जो गांव है जो बोरकुंड है, जहाँ पे राजस्थान ख़त्म हो जाता है और आपके मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये इसका नामकरण था चारों दिशाओं में कि कहाँ कहाँ पे राजस्थान का स्टार्ट होता है और कहाँ कहाँ पे राजस्थान ख़त्म होता है। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन एक टॉपिक और कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ साउथ की बात, ये अपना साउथ, इस साउथ में अपना बांसवाड़ा यहाँ पड़ता था, प्रतापगढ़ यहाँ पड़ता था, ऐसे था, और यहाँ पे आपका पड़ता था डूंगरपुर। आपकी करक रेखा जो है, करक रेखा जो है राजस्थान में मात्र डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, यानी यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे ये आपकी है कर्क रेखा, यानी यहाँ से चली और यहाँ से आपकी कर्क रेखा, ये आपकी क्या हो गई? कर्क रेखा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा पूछ लिया जाता है कि आपकी जो कर्क रेखा है ये बांसवाड़ा के कहाँ से होके गुजरती है, तो ये बांसवाड़ा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कुशलगढ़ गांव से होके गुजरती है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं इसकी, अपन इनकी जो राजस्थान की सीमा का निर्धारण है, यानी सीमा का किस हिसाब से निर्धारण किया गया है कि यहाँ पे राजस्थान ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान प्रारंभ होगा, या फिर यहाँ पर गुजरात प्रारंभ होगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टार्ट होगा, तो ये चीज़ अपन इसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन देखते हैं, ये अपना वही वही
राजस्थान का वापस मैंने मैप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसमें रहिए। सबसे पहले मैंने आपको बोला ये क्या है क्वेश्चन, ये क्या है पूरा, और ये क्या है उत्तर, और ये क्या है दक्षिण। ठीक है, अब अपन वन बाई वन इसमें पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो सीमा निर्धारण क्या है, सीमा निर्धारण किसकी, राजस्थान की। तो मैं लिख देता हूँ राजस्थान की सीमा सीमा का निर्धारण। तो देखिए इसके अंदर अपन चलते हैं, सबसे पहले उत्तर से पश्चिम की ओर। तो उत्तर से अगर आप यहाँ से उत्तर से और पश्चिम के बीच में चल रहे हो तो यहाँ पे आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये सीमा अगर आप बात करें तो उत्तर दिशा में, राजस्थान के उत्तर दिशा की दिशा में की अगर बात करें तो उत्तर दिशा से पश्चिम के बीच में राजस्थान का क्या पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक कौन पड़ता है, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की सीमा लगती है। इससे क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र उत्तर से पश्चिम के लिए भी लगती है। ठीक है, उत्तर दिशा की अगर अपन बात करें तो उत्तर दिशा कौन सी थी, ये यहाँ पे मात्र आपका कौन सा जिला राज्य लगता है, पंजाब स्टेट। अब अपन बात करते हैं उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व कहाँ से, उत्तर से पूर्व। तो उत्तर से पूर्व की दिशा में अगर अपन बात कर दें तो ये अपना लगता है हरियाणा, कौन सा लगता है हरियाणा, कहाँ से, उत्तर से पूर्व की दिशा में। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करें पूर्व से दक्षिण के बीच में, यानी सबसे पहले अपन पूर्व की बात कर लेते हैं। तो पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे लगता है यूपी, यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उससे जैसे नीचे आ जाते हैं तो दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पूर्व की अगर बात कर लें तो ये लगती है आपकी एमपी, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं दक्षिण दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से पूर्व हो गया, अब अपन चलते हैं दक्षिण से पश्चिम के बीच में। तो दक्षिण से पश्चिम के बीच में अगर अपन चलेंगे तो अपने पास में मिलेगा गुजरात, जी से मतलब गुजरात। ओके, तो ये अपने पास में अगर अपन बात करें तो राजस्थान की सीमा का निर्धारण अपन ने कर लिया। अब अपन चलते हैं इसके अंदर राजस्थान के जो जिले जो हैं, जो कि अन्य राज्यों जो राज्य जो हैं कि सीमाओं से भी मिलते हैं, तो वो कैसे कैसे मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पंजाब की अगर अपन बात कर लें, पंजाब की अगर हम बात कर लेते थे तो इधर आपका है गंगानगर और इधर आपका हनुमानगढ़। तो ये मात्र किससे टच होता है, हनुमानगढ़, यानी पंजाब किससे टच हो रहा है, हनुमानगढ़ से। ओके, हनुमानगढ़ और थोड़ा सा टच होता है गंगानगर से भी। तो आपका पंजाब जो है किस 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 जिले से हुआ, एक तो गंगानगर और एक हनुमान, जी मतलब गंगानगर, एच मतलब हनुमानगढ़। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा आपको कहाँ पे, यहाँ पे। तो हरियाणा की एक और मैं आपको बाउंड्री लाइन बता देता हूँ कि हरियाणा में कैसे कैसे। सबसे पहले आपको हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से जो नीचे आता है वो चूरू आता है, चूरू से जस्ट नीचे आता है सीकर, सीकर से जस्ट सॉरी झुंझुनू और सीकर, और फिर आपका थोड़ा सा जयपुर भी लगता है, ये आपका जयपुर हो गया। ठीक है, और जयपुर के बाद में आपका आ गया अलवर, अलवर की अगर बात करें भरतपुर, भरतपुर के बाद में बात करें धौलपुर, फिर करौली, ये अपने जो हैं राज्य लगते हैं। तो इसमें अपन बात कर लेते हैं हरियाणा किन किस से टच कर रहा है। तो सबसे पहले हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा सबसे पहले किसको टच कर रहा है, हनुमानगढ़। ठीक है, दूसरा किसको टच कर रहा है, चूरू, तीसरा झुंझुनू को, नेक्स्ट आपका सीकर, और उसके बाद में जयपुर। ठीक है, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में भरतपुर, उसके बाद में धौलपुर आ रहेगा। देखिए धौलपुर नहीं, यहाँ पे अपना क्या स्टार्ट हो जाता है, यूपी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हरियाणा से अगर अपन बात करें तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, यानी हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं राजस्थान के, सात, जो बाउंड्रीज को छूते हैं। और पंजाब की अगर बात करें तो एक और दो, तो मात्र कितने में, कुल दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो पंजाब से इनकी सीमा छूती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं
उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश मैंने आपको कहाँ बताया था, उत्तर प्रदेश यहाँ पे बताया। तो उत्तर प्रदेश से अपन अगर बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भरतपुर, तो देखिए भरतपुर छू रहा है थोड़ा बहुत, और धौलपुर, यानी इसमें कितने छुए हैं, भरतपुर और धौलपुर मात्र दो ही राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जो यूपी से छूते हैं। और पंजाब की अगर अपन बात की थी पहले, तो पंजाब के अंदर भी अपने पास में कितने थे, दो ही ऐसे थे जिस जो अपने पंजाब की सीमा से छूते थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अपन चलेंगे, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, फिर सवाई एस एम मतलब सवाई माधोपुर हो गया, फिर आपका बात करते हैं कोटा आ गया, कोटा के बाद में बात करेंगे बारा, ठीक है, उसके बाद में झाला जी एच मतलब झालावाड़, ठीक है, नेक्स्ट आपका है चित्तौड़, यहाँ पे चित्तौड़ आ जाता है, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये भीलवाड़ा थोड़ा सा टच हो जाता है, उसके बाद में आपका ये बांसवाड़ा है, और उसके बाद में ये प्रतापगढ़। तो देखिए अपन एमपी की अगर बात करें, तो एमपी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो यहाँ से चलते हैं धौलपुर से, एमपी कहाँ से स्टार्ट होता है, धौलपुर से, तो धौलपुर एक, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर आपका कोटा, फिर आपका बारा, फिर आपका झालावाड़, फिर आपका चित्तौड़, फिर आपका भीलवाड़ा, फिर आपका प्रतापगढ़, और फिर आपका बांसवाड़ा, ये दसवा, यानी एमपी से राजस्थान के सब सर्वाधिक जिले जो हैं वो एमपी से छूते हैं, यानी कुल कितने हैं, 10 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो एमपी सीमा से छूते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए गुजरात, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से अपना आ जाते हैं गुजरात। तो गुजरात में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर, जे मतलब जैसलमेर, फिर अपना आता है बाड़मेर, फिर अपना आता है जालोर, फिर अपना आता है सिरोही, फिर अपना आता है उदयपुर। ठीक है, तो देखिए गुजरात से चलते हैं अपन कहाँ से, बांसवाड़ा, तो एक नंबर बांसवाड़ा, फिर बांसवाड़ा से जस्ट ऊपर आए अपने पास में कौन है, डूंगरपुर, सॉरी यहाँ पे डूंगरपुर का, तो डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर आपका सिरोही, तो सिरोही कौन सा आ गया, फोर, फिर आपका जालोर, फिर आपका बाड़मेर सिक्स, ये आपके वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो गुजरात इस राज्य से छूते हैं। तो टोटल कितने हो गए, छः, तो मात्र छः राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जो गुजरात की सीमा को छूते हैं। ठीक है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं अगर अपन बात करें तो देखो सबसे पहले जोड़ते हैं दो, पंजाब से कितने जुड़े, टच होते थे दो, फिर अपने हरियाणा से कितने जुड़े दो, ये वाले ऐड कर रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये वाले, इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों इन सभी को मैं जोड़ रहा हूँ, और यूपी, यूपी कितने दो, एमपी कितने 10, गुजरात के कितने 6, तो अपन सबसे पहले इनको जोड़ते हैं 27, यानी 27 ऐसे ज़िले हैं जिनकी बाउंड्री अंतरराज्य से छूती है, किससे छूती है, अंतरराज्य से, अंतरराज्य का मतलब यहाँ पे ये है जिनके पास में कोई राज्य स्थापित हो, जैसे राजस्थान से पंजाब छूता है, हरियाणा छूता है, यूपी छूता है, एमपी छूता है, और गुजरात छूता है, तो कुल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल कितने राज्य हैं, 5 जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं, और कुल कितने जिले हैं राजस्थान के जो 5 राज्यों को छूते हैं, वो 27 जिले हैं। और एक एक अगर बात करें तो पंजाब की अगर बात करें तो 2 जिले हैं राजस्थान के, अगर हरियाणा की बात करें तो 7 जिले हैं, और अगर आपके पास में यूपी की बात करें तो 2 हैं, एमपी की बात करें तो 10 हैं, और आपकी गुजरात की बात करें तो 6 हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में कितने हो गए, 27। माना जाता है कि राजस्थान के अंदर कुल ज़िले की अगर अपन बात कर लें, कुल ज़िले राजस्थान में 33 इन, और आपके संभाग जो है वो कितने, 7। ठीक है, 33 की अगर बात करें तो अभी अपन ने कितने की बात की थी, 27। 27 राज्य वो हैं जो अंतरराज्य सीमा से छूते हैं, तो कुल कितने हैं, 33। तो 33 में 27 घटाओगे, 33 में से 27 घटाएंगे तो अपने पास में कितने ज़िले निकल के आएंगे, यहाँ पे 6, यानी 6, इसका मतलब 6 ऐसे जिले हैं होंगे हाँ ओके थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम, तो 6 यहाँ पे ऐसे जिले हुए जो अगर हम बात करें तो
ये आपका, ये ओके ओके ओके, चलिए अब अपन आगे चलते हैं इसी के ऊपर, थोड़ा सा पाकिस्तान का यू और यू इसको अपन साफ कर देते हैं। अब राजस्थान का से पाकिस्तान में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो गंगानगर पहले आता है, फिर आपका यहाँ पे बीकानेर था, जोधपुर वो है जो ये इससे छूता नहीं है, और आपका ये बीकानेर जैसलमेर हो गया। ठीक है, तो देखिए एक गंगानगर, गंगानगर एक और बीकानेर दो, ठीक है, और जैसलमेर तीन और आपका चार। तो राजस्थान के अंदर ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से छूते हैं, तो वो मात्र कितने हैं? चार जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के जिले जो ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से छूते हैं, यानी पाकिस्तान से छूते हैं। इनके अंदर अगर अपन बात करें थोड़ी सी और, तो इनके अंदर सब ये जो बाउंड्री है, यानी ये आपका, ये आपको जो दिख रहा है, ये बाड़मेर से लेके जो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है हिंदू मल कोट। क्या पड़ता है? हिंदू मल कोट। हिंदू मल कोट से बाउंड्री निकलती है, और हिंदू मल कोट से बाउंड्री होते हुए निकलती है जो कि बाड़मेर तक आती है। तो इसकी कुल दूरी जो होती है वो 1000, अगर मैं बात करूँ तो कुल दूरी इसकी होती है 1070 किलोमीटर। कितनी होती है? 1070 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? आपकी हिंदू मल कोट से, हिंदू मल कोट सा हो गया, और आपको बाड़मेर में कौन सा, बाड़मेर तक आती है, तो हिंदू मल कोट से बाड़मेर तक, तो बाड़मेर में कौन सा सहागढ़, कौन सा हो गया बाड़मेर में, कौन सा हो गया सहागढ़, यानी यहाँ पे वो कौन सा एरिया है सहागढ़, जहाँ पे आपकी पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हिंदू मल से लेकर सहागढ़ के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको आपको बताना है 1070। और हिंदू मल कोट कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है श्रीगंगानगर में पड़ता है, और सहागढ़ कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है बाड़मेर, यानी गंगानगर से बाड़मेर के बीच में 1070 किलोमीटर की दूरी है। और जो एरिया जो है वो आपको मैंने बता दी, हिंदू मल कोट है और दूसरा है सहागढ़, जहाँ पे स्टार्टिंग और एंड हो जाती है। अब अपन थोड़ा सा और चीज़ों में आगे चलते हैं, तो इसके अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो बाउंड्री जो छुट्टी है पाकिस्तान से राजस्थान के जिले की, वो है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। लगभग इसकी जो दूरी है वो 467 किलोमीटर छुट्टी है पाकिस्तान। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बाड़मेर की अगर हम बात करें, तो बाड़मेर जो कितनी दूरी से होती है? 228 किलोमीटर। यानी बाड़मेर से पाकिस्तान की जितनी सीमा होती है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 228 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है गंगानगर। तो गंगानगर में क्या था? गंगानगर, गंगानगर से कितनी दूरी होगी? यहाँ पे 210 किलोमीटर। यानी गंगा जीएम, जीएम मतलब गंगा नगर, गंगानगर की अगर मैं देखूँ तो 210 किलोमीटर डिस्टेंस यानी दूरी है जो कि पाकिस्तान से छूती है। उसके बाद में अपन बात करें बीकानेर की। बीकानेर का ये जो बीकानेर था, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर की जो दूरी है वो 168 किलोमीटर। यानी अगर मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा के मामले में सबसे कम जो दूरी, यानी सबसे कम जो सीमा पाकिस्तानी छूता है वो बीकानेर है, जिसकी दूरी कितनी है? 168। और अधिकतम की अगर हम बात करें तो अधिकतम की बात करते हैं तो जैसलमेर है, जिसकी दूरी 464 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय
अच्छा एक चीज़ और अपन छुट्टी और अपन यही पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो बाउंड्री जो थी पाकिस्तान और इंडिया, ये बाउंड्री जो दी थी वो रेड किला किसने दी थी? रेड रेड किला को दी थी, और वो उस रेखा का नाम क्या पड़ गया था? रेड किला रेखा। यानी जो भारत और पाकिस्तान को बांटती है जो 1070 किलोमीटर की है, कितने किलोमीटर की? 1070 किलोमीटर की है। और कितने डिस्ट्रिक्ट से छूती है? कितने डिस्ट्रिक्ट हुए देखा अभी? 1, 2, 3, 4 और 5 सॉरी तीन स्ट्रोक तो चार चार जिले ऐसे थे पाकिस्तान के राजस्थान के जो इससे छूते थे। ठीक है अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले चलने से पहले अपन देख लेते हैं कि कौन सा जिला किस राज्य से सर्वाधिक लगता है और कौन सा जिला किस राज्य से सर्वाधिक कम लगता है। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले गुजरात सॉरी पंजाब से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन झालावाड़ की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो एमपी जो है, ऐसे कहते हैं कि एमपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है वो 1600 किलोमीटर फैला है, यानी इसकी कुल जो सीमा है वो 1600 किलोमीटर की दूरी भी है। ठीक है और इसके अंदर सबसे अधिकतम जो राज्य जो है वो 1600 किलोमीटर फैला है छूता है राजस्थान को, वो है मध्य प्रदेश। और सबसे कम जो छूता है यानी वो जो जिला कौन सा है आपका? पंजाब है, जिसकी दूरी कितनी है? 89 किलोमीटर। यानी सबसे कम राज्य राजस्थान को छूने वाला कौन सा है? पंजाब है। और सबसे अधिक राजस्थान को छूने वाला जो राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है, जिसकी कुल दूरी 1600 किलोमीटर है। ठीक है इसके बाद में हम चलते हैं मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा बहुत ज़्यादा लगती है तो वो कौन सा है? झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़। तो ये आपका सबसे बड़ा जिला है। क्या हो गया? सबसे बड़ा जिला है। अब मध्य प्रदेश में सबसे छोटे जिले की अगर बात करता हूँ तो वह है भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। यानी राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश से सबसे छोटा जिला जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है वो कौन सा है? भीलवाड़ा। और राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? जिला कौन सा है? झालावाड़। ठीक है अब अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो अपने पास में अपने पढ़ा भी था कि राजस्थान के कुल जो 25 जिले जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोई एक बनाते हैं दोनों में। ठीक है और 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं, यानी इनकी सीमा कभी भी अंतर्राज्य से नहीं लगती। तो कुल कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। उन 8 जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो है नागौर। सबसे पहले कौन है? नागौर। दूसरा कौन सा है? पाली। फिर अजमेर। फिर जोधपुर। फिर टोंक। इसके बाद में टोंक के बाद में दोसा हो गया, दोसा हो गया, राजसमंद हो गया और बूंदी हो गया। ठीक है ये 8 जिले ऐसे हैं जो कभी भी अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं छूते हैं। ठीक है अब अपन चलते हैं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के बात करते हैं। तो गुजरात में अपन सबसे राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है जो गुजरात की सीमा से छूते हैं वो कौन सा है? आप बाड़। कौन सा है? बाड़। ठीक है बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो गुजरात की सीमा को सबसे कम छूता है। अब अपन बात करें तो फिर सबसे अधिक कौन छूते हैं? सबसे अधिक बात है ना सबसे नहीं एक बार अपन पढ़ लेते हैं सहा ये अपना गुजरात बाड़मेर हो गया। ठीक है ये वाला हो गया
यूपी वाला ये भी हो गया, अब इसमें पढ़ लेते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसका भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सीमा से लगता है, यानी उत्तर प्रदेश से भी लगता है और हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से भी लगता है मध्य प्रदेश से भी लगता है, तो वो धौलपुर और आपके पास है। धौलपुर एक ऐसा राज्य है जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सीमा लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, यानी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अपन बात करें तो झालावाड़ था। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अगर आ सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले जो हैं, सीकर, जयपुर, चुनावी, ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। और राजस्थान की कुल स्थली अगर अपन बात करें, स्थली अपन होते हैं राजस्थान का जो स्थल फैलावा है उसकी कुल कितनी लंबाई, तो उसकी अगर बात करें तो 5920 किलोमीटर। ये क्या है स्थलीय सीमा, किसकी स्थलीय, ये राजस्थान की स्थलीय सीमा है जो 5920। उसके बाद में उनमें थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, जो सीकर जो ज़िला है, सीकर जो ज़िला है ये प्याले नुमा बना हुआ है, फिर अर्ध चंद्राकार भी बना हुआ है। कैसे अर्ध चंद्राकार भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और धनुषाकार भी इसको कई बार बोलते हैं। और त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो त्रिभुज की आकृति तो जो है वो है डूंगरपुर, कौन सी है डूंगरपुर, यानी त्रिभुज की जो आकृति है वो कौन है डूंगरपुर जिला है। एक ऐसा जिला है जिसकी जो आकृति जो है वो क्या है कि त्रिभुजाकार है। अब अपन राजस्थान की अगर बात करें तो देखो राजस्थान की जो आकृति है, देखो ये और थोड़ा सा ये किस आकृति में बन गया, विषम चतुर्भुज, क्या है विषम कोण, विषम कोण चतुर्भुज राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति अगर एग्जाम से पूछता है तो आपको बतानी है कि अपनी विषम आकृति, विषम कोण आकृति, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रतापगढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अभी बना है, 2008 में इसका उसको बनाया गया था, जो 33वां जिला जो है यानी 26 जनवरी 2008 को बना था डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और कौन कौन से जिले से मिलकर बना था, चित्तौड़, बांसवाड़ा और उदयपुर, यानी चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर से कुछ भाग को लेके एक जिला बनाया गया था प्रतापगढ़, जो अभी 3300 जिला है राजस्थान का और 26 जनवरी 2008 को इसको बनाया गया था। तो अब आगे चलते हैं अपन, इसका जो सीमा जो है अपने पढ़ लिया, अब थोड़ा थोड़ा और भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे और इसका अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इसमें यही पता लगता है कि राजस्थान की आकृति कैसी रही होगी, राजस्थान में क्या क्या रही होगी, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं संभाग की, राजस्थान के अंदर जो संभाग जो थे वो किस हिसाब से देख सकते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलो अब अपन चलते हैं राजस्थान के संभाग, राजस्थान के संभाग। सबसे पहले अगर अपन बात करें संभाग की, अगर बात करें तो राज्य में कुल कितने संभाग हैं, 7 फिलहाल, कितने संभाग हैं, 7। इन 7 संभागों में जो नया जो संभाग है वो है भरतपुर, क्या है नया जो अभी बनाया गया, कब बनाया गया, 4 जून 2005। यानी 7 राजस्थान में कुल संभाग है, उन 7 संभाग में जो अभी जो नया संभाग जो बना है 4 जून 2005 को, वो संभाग जो है वो है भरतपुर, ठीक है।
और इन संभागों की बात कर लेते हैं कि सात संभाग कौन कौन से, ठीक है। इन संभागों की अगर बात करें तो सबसे पहले अपना संभाग है फर्स्ट संभाग जी, दूसरे संभाग की अगर बात करें, तीसरे संभाग की अगर बात करें तो वह है बीकानेर, चौथे संभाग की अगर बात करें तो वह है अजमेर, नेक्स्ट संभाग की बात करें तो वह है उदयपुर, पांच छठे की अगर बात करें तो वह है कोटा, और अभी लेटेस्ट कौन बना है अपन वन बाई वन पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले संभाग जयपुर, अब अपन थोड़ा सा मैप में इसको डिजाइन कर लेते हैं तो आप देखिए इसको मैप में कैसे करते हैं। तो ये मैप वगैरह से अपन सबसे पहले बात करते हैं जयपुर, जयपुर कहाँ पड़ता था, यहाँ पड़ता था जयपुर, ठीक है, यहाँ पड़ता था जयपुर। तो जयपुर जो संभाग है वो किस किस को मिलकर बना है, तो सबसे पहले देखते हैं इससे ऊपर कौन था, सीकर, फिर कौन था झुंझुनू, यानी झुंझुनू सीकर और एक खुद जयपुर हो गया, एक अलवर हो गया, एक यहाँ पे दौसा हो गया, ठीक है। तो कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक दो तीन चार पाँच, तो ये कितने संभाग, कितने जिलों से मिलकर बना है, पाँच जिलों से मिलकर बना है जयपुर संभाग। कौन कौन सा है, झुंझुनू है, सीकर है, एक जयपुर खुद हो गया और दौसा हो गया और अलवर हो गया, इनसे मिलकर कौन बना जयपुर संभाग, तो ये आपका कौन सा हो गया जयपुर संभाग, ठीक है। आगे चले जोधपुर में, अच्छा जयपुर संभाग की अब खासियत और सुन लो, जयपुर संभाग जो है उसमें जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा रहेगी तो घनत्व क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए ये फेमस है। अब अपन चलते हैं जोधपुर, जोधपुर दूसरा नंबर जोधपुर, तो जोधपुर कहाँ पड़ता था अपना, यहाँ पड़ता था ये आपका जोधपुर। तो जोधपुर के नीचे कौन था, पाली था, पाली के बाद में जालौर था, जालौर के बाद में सिरोही था, सिरोही के बाद में सिरोही से जैसे जालौर एक बाड़मेर था, ठीक है, और जैसलमेर था। ये कुल कितने जिले हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये जो छः जिलों का जो मिक्सअप है ये संभाग नंबर द्वितीय यानी जोधपुर संभाग के पार्ट से। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वापस अपन रिपीट कर लेते हैं, जोधपुर संभाग में एक तो जोधपुर आता था, एक आपका जैसलमेर आता था, एक आपका पाली आता था, बाड़मेर आता था, जालौर आता था, सिरोही आता था, इससे मिलकर बना था जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कुल जो जिलों की अगर संख्या की अगर बात करें तो कुल जो संख्या होती थी वो थी छः। इसकी खासियत क्या है, विशेष विवरण की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल, ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वैसे तो जैसलमेर आता है लेकिन संभाग की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जोधपुर संभाग में, संभाग की बात कर रहा हूँ मैं, और सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति रहती है वो यहाँ पर रहती थी, और सर्वाधिक साक्षरता भी इसको माना जाता है कि इसका इसके अंदर जो है साक्षरता में तो कमी नहीं आता, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल हो गया और सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर भी इसमें मानी जाती है। दूसरे की अगर बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर अपना कहाँ पड़ता था, यहाँ पे ये बीकानेर था। तो बीकानेर की भी बात करें तो एक चूरू था, एक आपका हनुमानगढ़, एक आपका गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर, तो कुल कितने हो गए, एक दो तीन चार, इन चार जिलों से मिलकर तीसरा संभाग बनता था, कितने जिले हो गए चार बीकानेर में, और ये कौन सा संभाग बना, बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग चार राजस्थान के चार जिलों को मिलकर बनाया, कौन कौन से हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है और आपका बीकानेर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं चार नंबर पे, अच्छा इसकी थोड़ी विशेषता को देख लेते हैं, चार जिलों से मिलकर बनाया बीकानेर संभाग, और इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे कम नदी वाला समाप्त, यानी यहाँ पे नदियाँ आपको बहुत ही कम मिलेंगी, एक तो घाघर बनती है हनुमानगढ़ और गंगानगर में, और बीकानेर और चूरू की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई नदियों का मिश्रण नहीं होता, तो इस हिसाब से इसमें नदियों की जो मात्रा जो रही है बहुत ही कम रही है। अजमेर की अगर बात करें, नेक्स्ट अपन चार नंबर की अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर कहाँ पड़ते हैं, ये आपका अजमेर, तो अजमेर के पास में कौन है, नागौर, नागौर के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में टोंक,
तो कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हुए? 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन सा संभाग है? चौथा। यानी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अजमेर संभाग में कुल जिलों की अगर बात करो तो 4 है, ठीक है। और विशेषता क्या है? राज्य का मध्यवर्ती संभाग है, यानी ये राज्य का क्या है? मध्यवर्ती, यानी राजस्थान के बीचों बीच ये संभाग पाया जाता है। और कुल इसकी जो जिलों की बात करें तो 4 हैं, एक तो अजमेर है, नागौर है, और आपका टोंक है, और आपका भीलवाड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं उदयपुर। उदयपुर की अगर अपन बात करें तो उदयपुर में अपना यहाँ पड़ते हैं, उदयपुर के जस्ट नीचे कौन सा पड़ता है? उदयपुर के जस्ट में डूंगरपुर हो गया, ठीक है, बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, इधर राजसमंद हो गया, वो चित्तौड़ हो गया, और आपका प्रतापगढ़ हो गया। ये जो संभाग जो है ये उदयपुर संभाग है, जिसके अंदर कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 6। राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जो उदयपुर संभाग में आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, और आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो कुल कितने हो गए? 6। अच्छा, इसकी विशेषता की अगर बात करें तो ये इसमें जो वनस्पति की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक राजस्थान की वनस्पति वाला ये एरिया कहलाता है। और लिंग अनुपात की अगर बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको लिंग अनुपात देखने को मिलता है। दूसरा नेक्स्ट आता है छठा कोटा। कोटा अगर बात करें तो कोटा कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। इस कोटा में अगर बात करें तो इसमें पड़ता है बूंदी, कोटा, बूंदी और झालावाड़ और बारा। तो कुल कितने हो गए? 4 डिस्ट्रिक्ट। ये संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। कोटा संभाग कौन सा है? छठा। ये पांचवा था, ये छठा। तो छठे संभाग में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 4। कौन कौन से हैं आपका? सबसे पहले कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़। ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें हो गए कोटा संभाग में। कोटा संभाग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या की अगर बात करते हैं, यहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने संभाग आता है नया जो भी बना भरतपुर। इस भरतपुर की अगर बात करें तो भरतपुर यहाँ पे राजस्थान के पूर्व में, ठीक है। अब अपने इस भरतपुर की बात करें तो इस भरतपुर में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो कितने होंगे? 4 जिले। तो ये 4 जिलों का संभाग है सातवा भरतपुर। कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कुल कितने होंगे? 6। ये आपका वह संभाग है जो अभी नया बना है, जो मैंने भी आपको बताया था 4 जून 2005 को ये बनाया गया था, ठीक है। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल भी देख लो, न्यूनतम क्षेत्रफल देखो यहाँ पे जनसंख्या कम थी, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या न्यूनतम है, और इसमें जिले कितने? 4। अब अगर अपन बात करें सभी जिलों को जोड़ते हैं तो देखिए 6 11 तो कुल कितने होंगे 33 जिले और 7 संभाग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले राजस्थान के हैं? तो वो कौन सा है आपका? जोधपुर और उदयपुर। ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंदर जनसंख्या की तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या की तुलना में संभाग है वो है जोधपुर, ठीक है। और अपन अगर देखें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जयपुर में सबसे सर्वाधिक है साक्षरता। और सर्वाधिक लिंग अनुपात संभाग कौन सा? लिंग अनुपात सर्वाधिक कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो कोटा संभाग सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है। कोटा संभाग में सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वह बारह, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कोटा संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कोटा, और बड़ा आपका बारह हो गया। अगर बात करें और राजस्थान के संभागों की बात करें तो मध्य प्रदेश से 4 संभागों की सीमा छूती है, ये MP है, और यहाँ से राजस्थान के 4 संभाग ऐसे हैं जिसकी सीमा इससे छूती है। कितने संभाग है? 4, ठीक है। तो एक चीज़ और अपने, ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन में अपन यही समाप्त कर देंगे लेक्चर को, और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के भौतिक विभाग, यानी भौतिक विभाग राजस्थान को कितने भागों में बांटा हुआ है, और कैसे भौतिक विभागों की अपनी संरचना के अनुसार उनका बंटवारा करेंगे। तो ये जो चैप्टर अपना, यानी जो टॉपिक अपना है, वो अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।